इसके प्रायोजक हैं फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर कालिक रोड दिल्ली पार्लर, नेशनल अस्पताल और कैंसर रिसर्च सेंटर नया बस स्टैंड रीवा और उत्सव राजविलास। शादी बारात के लिए रीवा की सर्वश्रेष्ठ जगह रुपया टंकी रीवा। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा के इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना की तैयारियों का लगभग पूरा काम हो गया है। रविवार की सुबह 8 बजे से काउंटिंग की जाएगी। इंजीनियरिंग कॉलेज को पूरी तरीके से छावनी में बदल दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है। आने जाने के लिए तय कर दिया गया है कौन किस रास्ते से निकलेगा। पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज पर वरिष्ठ अधिकारियों की नज़र है। एसपी कलेक्टर लगातार वहां पर मौजूद हैं। माना जा रहा है जिस तरीके से प्रशासन ने रीवा जिले की 6 विधानसभा, मऊगंज की 2 विधानसभा, इस तरीके से 8 विधानसभा में चुनाव कराए शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक उसी तरीके से मतगणना भी प्रशासन कराना चाहता है। तैयारियां पूरी तरीके से पूरी कर ली गई हैं। इस बारे में हमने रीवा कलेक्टर और रीवा एसपी से बात की। तैयारियों को लेकर उनका साफ तौर से कहना था, हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। वहीं दूसरी ओर काउंटिंग किस तरीके से होगी, अलग अलग कमरे में जो भी आवश्यक होता है उस तरीके से वहां पर तैयारियां की गई हैं। ईवीएम कौन लाएगा, किस तरीके से आएंगी, इन सारी बातों को तय कर लिया गया है। आइए आपको दिखाते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज किस तरीके से छावनी में बदल गया। साथ ही हम आपको सुनाते हैं एसपी रीवा और कलेक्टर रीवा ने 3 तारीख को होने वाली मतगणना को लेकर पत्रकारों से क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कल की जो तैयारियां हैं मतगणना की, वो रीवा में सभी जो अपनी 8 विधानसभाएं हैं उनके लिए पूरी कर ली गई हैं। अपने यहाँ सेंट्रलाइज यहीं पर रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में सभी विधानसभाओं की मतगणना होगी। मतगणना सवेरे 8 बजे से शुरू होगी और 8 बजे से जो शुरुआत होगी, पहले पोस्टल बैलेट्स और जो ETPVS आते हैं उनकी होगी और उसके बाद आधे घंटे बाद मशीनों की गणना शुरू होगी। तो सभी विधानसभाओं के लिए जो हॉल्स तैयार किए गए हैं उसमें काउंटिंग एजेंट्स के बैठने की पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। जो काउंटिंग स्टाफ है उनकी टेबल्स लगाई गई हैं। साथ ही पार्किंग की पृथक से व्यवस्था की गई है कि जो काउंटिंग स्टाफ है वो भली प्रकार से किस गेट से एंट्री करेगा और किस गेट से कैंडिडेट्स, उनके इलेक्शन एजेंट्स एंट्री करेंगे, उसकी भी सभी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। मीडिया सेंटर बनाया गया है पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से और जो स्क्रीन्स हैं वो लगाए गए हैं ताकि जो अंदर मतगणना हो रही है वो अपने चक्रवार सभी विधानसभाओं की जानकारियाँ सभी को समय पर मिलती रहें। सुरक्षा की दृष्टि से 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि कोई भी व्यक्ति जो मतदान कक्ष के, मतगणना कक्ष के अंदर आ रहा है, उन्हें जितने भी एजेंट्स हैं किसी को भी मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं रहेंगे, कोई डिवाइस अलाउड नहीं रहेगा। सिर्फ वो अपने साथ एक सिंपल कागज़ और पेन ला सकते हैं जिसमें वो अपनी सामान्य जानकारियाँ नोट करते हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य किसी को मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं रहेंगे। जो अपने पार्किंग के स्थल हैं वो भी अपना जो काउंटिंग सेंटर है उससे दोनों तरफ काफ़ी पर्याप्त दूरी पे बनाए गए हैं ताकि किसी प्रकार की असुविधा किसी को ना हो। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं लगभग जो आयोग के दिशा निर्देश हैं काउंटिंग को लेकर, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे लॉजिस्टिक्स हो, या काउंटिंग अनइंटरप्टेड स्मूथली निष्पक्ष तरीके से कैसे होगी, उसकी सभी व्यवस्थाएं हम लोगों ने कर ली। कितनी टेबल लगाई गई हैं और कितने चरण में? अपने यहाँ प्रत्येक विधानसभा में 14 टेबल्स लगाए गए हैं और चूँकि 8 विधानसभाओं में मतदान केंद्रों की संख्या अलग अलग है तो अपने यहाँ जो मिनिमम राउंड्स हैं वो 17 हैं और मैक्सिमम राउंड अपने 21 तक जाएंगे। अपने यहाँ मनगवां सबसे बड़ी विधानसभा है अगर हम लोग बात करें मतदान केंद्रों के हिसाब से, तो मनगवां में 21 राउंड के आसपास अपने रहेंगे। तो और इसके अलावा जो पोस्टल बैलेट्स हैं उनके लिए पृथक से टेबल्स लगाई गई हैं। रीवा में पोस्टल बैलेट की संख्या चूंकि ज़्यादा है तो वहाँ पर अपनी जो गणना टेबल्स हैं वो भी पोस्टल बैलेट की ज़्यादा हैं। सभी ऑब्जर्वर्स भी आ चुके हैं अपने रीवा ज़िले में, तो इस तरीके से इनकी भी सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई। कल जो हमारे विधानसभा चुनाव हुए थे
उसकी बहुत महत्वपूर्ण चरण मतगणना कल होगी, उसके संबंध में आज हम लोग ने एक रिहर्सल यहाँ पे प्लान किया है, जिसमें हमने जो भी अधिकारीगण लगे हैं उनके साथ जो भी फोर्स लगा हुआ है उसको यहाँ पे बुला किया है। उनको क्या क्या ड्यूटी रहेंगी, क्या क्या हमको रूल्स और नियम उसमें फॉलो करने हैं और कैसे हमको उसको फॉलो करना है, करवाना है, वो सारी चीज़ें आज यहाँ पर ब्रीफिंग की जा रही है। इसके बाद यहाँ से ड्यूटी के वितरण के बाद ये अपने अपने स्पॉट्स भी देखेंगे कहाँ कहाँ इनकी ड्यूटी लगी है और वहाँ पर पुनः इनकी पॉइंट टू पॉइंट ब्रीफिंग की जाएगी ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन और कोई संदेह किसी के मन में ना रहे। इसमें करीब जो अगर हम अंदर और नो मैच लैंड की बात करें तो करीब 300-400 का बल यहाँ पे लगा हुआ है। सर, यातायात व्यवस्था भी रूट उसके डाइवर्ट किए गए? बिल्कुल, जैसा कि हमने अभी मीडिया के माध्यम से आप सबके माध्यम से इसमें प्रचारित करने का किया है, जो मतगणना स्थल यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेज है इसके दोनों साइड बैरिकेड्स लगे रहेंगे और इस रूट पर कोई भी वाहन परमिटेड नहीं रहेगा। तो इसके लेके हमने डायवर्जन प्लान भी प्लान कर रखा है और सभी को बता रखा है। आप लोग के माध्यम से पुनः बताना चाहूँगा कि इस रूट पे कोई भी वाहन अलाउड नहीं रहेगा और जिनको भी पासेज हैं, चाहे वो मतगणना एजेंट हैं या ऑफिशियल्स हैं जो मतगणना कर रहे हैं, वो उनकी गाड़ी यहीं पर सामने पार्क होगी और उसके बाद फिर वहाँ यहाँ पर पैदल आएंगे। ये पूरा एरिया पेडिस्ट्रियन जोन रहेगा। इस मतगणना केंद्र से अगर हम बात करें तो करीब 100-200 मीटर का एरिया है जहाँ पे 144 लागू रहेगा और वहाँ पे हम अनावश्यक किसी का मूवमेंट वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। जो पूरा प्रोसेस है वो करीब 5-6 बजे से स्टार्ट हो जाता है सारी चीज़ें और जब तक कि मतगणना काउंटिंग और सबको सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता विनिंग कैंडिडेट को, तब तक वो पूरी प्रोसेस वो चलती रहेगी, तब तक के लिए वो लागू रहेगा। और सभी सभी कैंडिडेट से ये भी अपील है, सभी समर्थकों से अपील है कि यहाँ से जो भी जुलूस वगैरह रहेंगे मतगणना के बाद वहाँ से थोड़ी दूर से उसको किया जा सकता है, यहाँ पर 144 लागू होने से वो अलाउड नहीं रहेगा। ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।